स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे कक्षा एक का विषय हिंदी व्याकरण पाठ पाँच। पाठ का नाम है वाक्य। तो हम आपको पाठ पाँच वाक्य में बुक पढ़ा दिए और आपको समझा भी दिए, एक्सप्रेशन भी हो गया। आज हम करेंगे अभ्यास। तो अभ्यास में आइए, आपका पहला प्रश्न है, हम आपको बताते हैं शब्दों के क्रम सही करके वाक्य लिखो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इस वाक्य का शब्दों का क्रम सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, शब्दों का क्रम सही करके वाक्य सही लिखेंगे। तो आपका क है कविता रवि रहा है लिख। तो यहाँ पे आपका दिया कविता रवि रहा है लिख, तो आप इसका वाक्य सही लिखेंगे। तो लिखेंगे आप रवि कविता लिख रहा है। खा है आपका आइसक्रीम खाओगे तुम क्या, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वाक्य क्या तुम आइसक्रीम खाओगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अपने बुक में क्या तुम आइसक्रीम खाओगे। ग है आपका जाता स्कूल है वह, तो आपका वाक्य हो जाएगा यहाँ पे सही वह स्कूल जाता है। तो आप यहाँ ऐसे ही आप लिखेंगे वह स्कूल जाता है। फिर आपका घ है खाना रहा खा हूँ मैं, तो ये आपका वाक्य गलत है, तो आप लिखेंगे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ऐसे आप भी अपने बुक में पढ़ेंगे और उसे आप पूरा करेंगे। फिर आपका दूसरा प्रश्न है चित्र देखकर सही वाक्यों से मिलाओ। तो यहाँ पे चित्र दिए गए और इधर आपका वाक्य दिया गया, तो चित्र देखेंगे और आप वाक्य से मिलाएंगे। तो आपका पहला वाक्य है माँ खाना पका रही है, दूसरा है आपका रमा झूला झूल रही है, तीसरा आपका है वाक्य गाय घास चर रही है, चौथा है आपका बच्चे खेल रहे हैं, पाँचवा आपका है खरगोश दौड़ रहा है, और सारा यहाँ पे चित्र भी दिया गया है। तो आप यहाँ पे चित्र से वाक्य को मिलाएंगे। तो पहला आपका है माँ खाना पका रही है, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ गाय चर रही है, यहाँ पे खरगोश दौड़ रहा है, यहाँ पे आपकी माँ, यहाँ दिया है माँ खाना पका रही है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट से आप पहले सब भ को मिला देंगे। फिर आपका दूसरा वाक्य है रमा झूला झूल रही है, तो यहाँ पे आपका फिगर है रमा झूला झूल रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप वाक्य से यहाँ पे चित्र से आप मिला देंगे। फिर तीसरा आपका है गाय घास चर रही है, तो यहाँ आपका है वाक्य और यहाँ पे आपका चित्र दिया है गाय घास चर रही है का, बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका चित्र ऐसे आप मिला देंगे। खरगोश दौड़ रहा है, तो आपके यहाँ पे चित्र खरगोश के दौड़ने का, तो आप क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज 25 पर। तीसरा प्रश्न है आपका गुब्बारे में से शब्द लेकर वाक्य पूरे करो, तो यहाँ पे आपके गुब्बारे में कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे आपकी वाक्य है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है पूरा करना है। तो यहाँ पे शब्द आपका है पेड़ नाच विद्यालय तितली रंग बिरंगा, तो आपका क है मोर का पंख डैश है, तो यहाँ पे आपके मोर का पंख का चित्र भी दिया है, तो यहाँ पे आपके शब्द है रंग बिरंगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे मोर का पंख रंग बिरंगा है। अब आपके वाक्य बन गए मोर का पंख रंग बिरंगा है। ख है आपका बंदर डैश पर बैठा है, तो यहाँ आपका शब्द है पेड़, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पेड़, आपका वाक्य बन गया बंदर पेड़ पर बैठा है। ग है आपका डैश उड़ रही है, तो आपका यहाँ पे शब्द तितली और यहाँ पे आपका चित्र भी है तितली का, तो यहाँ पे आप लिख देंगे तितली, आपका वाक्य बन गया तितली उड़ रही है। घ है आपका राजीव और अजय डैश जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके चित्र भी है राजू और अजय का, यहाँ पे विद्यालय, तो यहाँ पे आपका शब्द भी है विद्यालय, तो आप यहाँ पे लिखेंगे विद्यालय। फिर आप पढ़ेंगे राजीव और अजय विद्यालय जा रहे हैं। अंगा आपका है रमा डैश रही है,
और यहाँ पे आप चित्र भी देख रहे हैं नाच का, और यहाँ पे आपका शब्द भी है नाच, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नाच। फिर आप इसे पढ़ेंगे, रमा नाच रही है। फिर आपका चौथा प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पे विकल्प आपके दिए गए हैं, जो आप रंगीन देख रहे हैं शब्द आपके क्या है, विकल्प है, शब्द वाक्य, वाक्य मुहावरा, होता है नहीं होता है, सही गलत, शब्दों वर्णों। तो आज जो आपका विकल्प सही, उस पर आप क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। तो क है आपका शब्द वाक्य, द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात कहते हैं। तो आपका इसमें कौन सा विकल्प सही है, शब्द की वाक्य, आपका इसमें विकल्प सही है वाक्य, वाक्य द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात कहते हैं। ख है आपका शब्दों के सही मेल से वाक्य, दूसरा आपका मुहावरा बनता है, तो आपका इसमें विकल्प सही है वाक्य, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, तो आपका ये वाक्य विकल्प सही है। तो क्या करें, इस पर आप सही का निशान लगा देंगे। फिर ग है आपका प्रत्येक वाक्य का एक अर्थ होता है, फिर ये आपका नहीं होता है, इसमें आपका दो विकल्प है, प्रत्येक वाक्य का एक अर्थ होता है, तो ये आपका होता है सही है, नहीं आपका गलत है। घ है आपका वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही गलत क्रम में रखा जाना चाहिए चाहिए, तो आपको आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही क्रम पर रखना चाहिए, क्रम में रखना चाहिए, ये आपका सही शब्द सही है, तो इस पर क्या है, सही का निशान लगाएंगे। अंग आपका है वाक्यों को समझने के लिए शब्दों वर्णों का क्रम में होना आवश्यक है, तो वाक्यों को समझने के लिए शब्दों का क्रम में होना आवश्यक है, तो आपका यहाँ पे शब्दों सब सही है, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। ऐसे आप भी अपने बुक को पढ़ेंगे और अपना अभ्यास पूरा करेंगे। आज आपका क्लास यहीं ओवर हो रहा है, थैंक यू।